नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। और आज आपकी मुलाकात हम कराएंगे पद्मश्री डॉक्टर एम वली से, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज उनसे तमाम टॉपिक्स पर बात करेंगे। आजकल जिस तरह से कार्डियक अटैक बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स में आ रहा है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपना ध्यान रखें, कैसा खान पान हो, कैसा लाइफस्टाइल हो, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर मोहसिन वली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि कार्डियक अटैक होता क्या है? देखिए, जब हार्ट चलने चलते रुक जाता है तो सडन डेथ हो सकती है, और ये सडन डेथ सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से होती है। इसी से मिलता जुलता जब किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, जिसको हम क्लासिकली हार्ट अटैक कहते हैं जी। उसमें हमको पेशेंट को हॉस्पिटल में जाने का टाइम भी मिल जाता है, और हम उसको टाइम लेके स्टेंटिंग कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। लेकिन ये जो सडन कार्डियक अरेस्ट है, ये हमको 6 से 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा देता है, और ये फौरन डेथ हो जाती है। अगर उस 10 मिनट में हम उसको पेशेंट को CPR दे देते हैं या रिवाइव कर देते हैं, या हम उस पेशेंट का हॉस्पिटल ले जाके पेसमेकर वगैरह लगा देते हैं, या डिफिब्रिलेटर होता है एक चीज़, उससे उसको ट्रीट कर देते हैं, तो फिर हम उसकी जान को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? स्टार्टिंग में कैसे पता चले कि हाँ, इस बीमारी से हम जूझ रहे हैं, क्योंकि सडनली आता है, इसे हम बीमारी भी नहीं कह सकते? नहीं, ये आमतौर पर वैसे लोगों में देखा जा रहा है जिनमें कोई बीमारी है ही नहीं और वो हेल्दी हैं। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बहुत से लोग परफॉर्म कर रहे थे, वीडियो का रिकॉर्ड हो रहा था, वो स्टेज पे रोल कर रहे थे, डायलॉग बोल रहे थे, डायलॉग बोलते बोलते वो गिर गए, कोलैप्स कर गए, और लोग समझे कि ये इनके डिलीवरी का हिस्सा है, प्रोग्राम का हिस्सा है, और वो भागे नहीं, दौड़े नहीं। देखिए, बहुत से सिंगर्स थे, वो गाते गाते उनको लगा कि वो गर्मी लग रही है लोगों को, और वो चौक हो गए। इसी तरह से जो बहुत से एग्जीक्यूटिव थे, वो अपना मॉर्निंग वॉक पे जाते थे रेगुलरली जी। और आपने देखा होगा एक फुटबॉलर डेमर हैमलिन, जो बहुत मशहूर फुटबॉलर थे जी। उनके फुटबॉल लगी छाती पे और वो कोलैप्स कर गए। पुनीत राजकुमार की ट्रेजिक डेथ ऐसी हुई, सिद्धार्थ शुक्ला जी की भी डेथ ऐसी हुई, और बहुत से जैसे रियलिटी शो के विनर्स थे, और इसी तरह राजीव कौशल 49 इयर्स की एज में डेथ हुई, प्रोड्यूसर थे। तो ये राधा कृष्णन, धनंजय फॉर्मर जो मोहन बागान के प्लेयर थे, ये बहुत से नाम मेरे दिमाग में आ रहे हैं इस वक्त जो मैं आपको बताऊं, जो के फिट लोग थे। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन पहले एल्डरली लोगों में ऐसा होता था। डॉक्टर साहब, तो ऐसे में एक बात निकल कर सामने आती है कि क्या जो कार्डियक अटैक है किसी एक पर्टिकुलर एज को आता है, या क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं काफी यंगस्टर्स जो है उनमें भी कार्डियक अटैक हो रहे हैं। हम कहते हैं कि फिटनेस के लिए आप जिम जाइए, वर्कआउट करिए, लेकिन अब ऐसे भी हमने वीडियोस देखे हैं जहां पर वर्कआउट करते करते भी लोगों को हार्ट अटैक आया है। बहुत सही आपने सवाल पूछा है, ऐसा हुआ है ना, पिछले दिनों में ऐसी बहुत सी डेथ्स हुई हैं। राजू श्रीवास्तव जी जिम में वर्कआउट कर रहे थे, उनकी डेथ हुई है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये हार्ट के अंदर, या तो कोविड के बाद कुछ लोगों को क्लॉटिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और हमारे यहाँ एक नया ट्रेंड आ गया है कि जो मिड 30s और 40s में ये हार्ट अटैक हो रहा है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेंड से 10 साल कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में यंग लोगों की जो हार्ट की बीमारी है, जो कि जिससे सडन कार्डियक डेथ हो रही है, वो वर्ल्ड की स्टेटिस्टिक से 10 साल पहले हो रही है, और ये बहुत ही खतरनाक इंडिकेशन है। और आपने सही इशारा किया था, ये सडन जो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है यंगस्टर्स में बढ़ रहे हैं जो केसेस, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, डायबिटीज, वेट गेन, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर विच इज नेग्लेक्टेड,
और ये सब जो हम लाइफ स्टाइल इसको कहते हैं ना, लाइफ स्टाइल डिजीजेस हो रही हैं, तो जी इसकी अवेयरनेस हमको आप जैसे लोगों के जरिए प्रोग्राम में हमको अवेयर कराना है। बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपने लाइफस्टाइल का जिक्र किया, दिल को स्वस्थ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। दिल स्वस्थ रहेगा, दिल जवां रहेगा तो हम भी जवां रहेंगे और कहीं ना कहीं बीमारियों से हम बच पाएंगे। लेकिन क्या कार्डियक अटैक के जो चांसेस हैं उन लोगों में ज्यादा हो जाते हैं जो किसी अन्य बीमारी से जूझ रहे होते हैं? हाँ, देखिए इसकी बैकग्राउंड में बहुत सी चीजें छुपी होती हैं। पहले तो मैं वो बता दूं, क्योंकि बीमारियां तो ऑब्वियस हो जाती हैं, कि ओबिसिटी है वो ऑब्वियस होगी, शुगर की बीमारी डायबिटीज होगी ऑब्वियस होगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा ऑब्वियस होगा। लेकिन जो छुपी हुई बीमारियां होती हैं वो कुछ ऐसी ईसीजी की एबनॉर्मलिटीज होती हैं। जैसे हमको एक एबनॉर्मलिटी बहुत कॉमनली हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट लोग के बरगुआडा सिंड्रोम होता है। बरगुआडा सिंड्रोम में ये होता है कि ईसीजी चौड़ा हो जाता है या उसमें कुछ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, तो इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं। कुछ पैदाइशी कुछ बीमारियां होती हैं हार्ट के मसले की, जिसमें हार्ट से ब्लड निकलने का जो रास्ता होता है वहां पे मसल्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथीज कहते हैं। तो ये रिदम के डिसऑर्डर और एनाटॉमी के डिसऑर्डर एग्जाम्पल जो मैंने दिए, इसकी वजह से अगर रेगुलर चेकअप पे ये पता नहीं चल रही होती ये चीजें तो सडन कार्डियक अरेस्ट सामने आ जाता है। सर, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें किस तरह का लाइफस्टाइल रखना चाहिए? क्योंकि आज की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, हम स्क्रीन पर ज़्यादा वक्त बिताने लगे हैं, हम प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, फ्रोज़न फूड का इस्तेमाल करने लगे हैं, और साथ ही साथ हेल्दी डाइट के नाम पर हम बाहर की चीज़ें लेकर आते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हम नहीं खा पा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो हमको अपना वेट पता होता है। अगर हम ओबीज है और अगर हमारी कमर का साइज और बीएमआई जो ज्यादा है तो उससे हम फौरन खबरदार होने चाहिए, और हमको सडन वेट गेन हो तो उसके लिए भी देखना चाहिए। सडन वेट गेन हो सकता है थायराइड की बीमारी से, स्पेशली लेडीज में। इसके अलावा डे टू डे बेसिस पे हमको एक्सरसाइज का अपनी जिंदगी में एक वक्फा रखना चाहिए, आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन कम से कम। फिर एक्सरसाइज के बाद आता है स्लीप, एडिक्वेट स्लीप, मेंटल रिलैक्सेशन, योगा और इससे जुड़ी हुई सब एक्सरसाइजेज जो भी हमको पसंद हो। जिमिंग की हम अब बात इस तरह से करते हैं कि सेफ जिमिंग हमको करनी चाहिए, जिम में हमको ज़्यादा दौड़ना नहीं चाहिए ट्रेडमिल पे। उसके बाद हम अल्कोहल अवॉइड, टोटल एब्सटिनेंस ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। सबसे खतरनाक जो इस वक्त चीज़ हो रही है वो स्मोकिंग से हार्म हो रहा है यंगस्टर्स को। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल में जहाँ एक तरफ हम वेट से शुरू करते हैं, हम अल्कोहल पर और स्ट्रेस पर ख़त्म करते हैं। लोग सोचते हैं कि अल्कोहल स्ट्रेस को रिलीव करता है, लेकिन बेसिकली अल्कोहल जो है एज ए केमिकल ब्रेन के लिए डिप्रेसेंट है जी। इसी तरह से लोग स्मोकिंग इसलिए करते हैं कि उससे किक मिलता है, लेकिन स्मोकिंग जो है बेसिकली उसका जो निकोटीन है वो ब्रेन के लिए डिप्रेसेंट है, इसीलिए दूसरी सिगरेट पीने की चाह और तलब लगती है। तो ये जो हमारे बच्चों में गलत कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, रात को देर तक जागने का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और घर का खाना न खाकर बाहर से खाना मंगाकर खाने का आ रहा है, तो ये जो गलत ट्रेंड सोसाइटी में डेवलप हो रहे हैं उसको हमको बच्चों को एजुकेट करना है स्कूल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, अपने घरों पर, और उनको इस तरह से एजुकेट करना है कि उनके लाइफ स्टाइल में हेल्दी चीज़ों का दाखिला हो और नॉन हेल्दी चीज़ें उनके लाइफ स्टाइल से निकल जाएं। अभी बहुत बड़ी इस पर बातचीत हो रही है कि वेजिटेरियन फूड जो है वो खाने में अच्छी चीज़ है और नॉन वेजिटेरियन फूड के मुकाबले में वो एक हेल्दी डाइट है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ दें, बल्कि अभी हमारे एक कुलीग हैं अनूप मिश्रा, उन्होंने बहुत अच्छा एक हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने जस्टिफाई किया है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं विदाउट नॉन वेजिटेरियन फूड खाए। बट उसमें जो मुझे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कहनी है कि हम कोई भी फूड खाएं उसमें चिकनाई और कोलेस्ट्रॉल का जो कंपोनेंट है उसको हम वॉच करें। कोलेस्ट्रॉल का डॉक्टर साहब हम बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल आजकल लोगों में बहुत हाई रहता है,
बिकॉज हम बाहर का खाना खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं या योगा नहीं कर पाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल कितना ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है? क्या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हमें कार्डियक अटैक की तरफ ले जा सकता है? बिल्कुल, डिसलाइपिडेमिया तो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई वेट के साथ। और ये डिसलाइपिडेमिया जब हम कहते हैं तो हम एक खास कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं जिसको हम एपोलाइपोप्रोटीन ए कहते हैं, और उससे भी कॉमन जो हम टेस्ट करते हैं डे टू डे उसको हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। तो एलडीएल जब हमारे कोलेस्ट्रॉल में, पहले हम मानते थे कि 130 से कम होना चाहिए, फिर हमने मानना शुरू किया कि 100 से कम होना चाहिए जी। लेकिन अब लेटेस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि 70 से ज्यादा होगा तो रिस्क हो जाएगा, और यंग एज में हम इसको मैनेज कर लेंगे तो ये रिस्क जो है बहुत कम हो जाएगा आगे चल के। तो हमको अपना जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको अच्छा रखना है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जो एक्सरसाइज से बढ़ता है जिसको हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको बढ़ाना है, उसको हमें 50 के आसपास रखना है। डॉक्टर साहब, अवेयरनेस की बात आपने की है कि अवेयरनेस उतनी ज्यादा नहीं है, दिल को जवान रखने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ऊपर से तो हम लगते हैं कि हम फिट एंड फाइन हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम वॉक करते हैं, लेकिन अंदर से हमारा दिल कितना स्वस्थ है ये कैसे पता चले? क्योंकि हम बहुत सारी रेगुलर चेकअप कराते हैं बहुत सारी बीमारियों का, हम अपनी बॉडी का चेकअप कराते हैं, लेकिन हम हर्ट को भूल जाते हैं। तो हम कैसे हमें पता चले कि हमारा हर्ट कितना हेल्दी है? क्या कोई सिम्टम्स ऐसे होते हैं, कोई अंदाजा लगा पाना? बिल्कुल होता है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। छाती में भारीपन होता है जब हमको दिल की बीमारी होती है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, बाईं तरफ हाथ में पेन जाता है, सांस फूलता है जी। हम सोचते हैं कि चलिए हमने भागा किया, दौड़ा किया और सीढ़ियां चढ़ी तो हमारा सांस फूल रहा है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में छुपा हुआ होता है कि हमको दिल की बीमारी है। और ये वार्निंग्स हैं, हार्ट बीट का सडन बढ़ जाना, हार्ट रेट का ज्यादा होना, चेस्ट में भारीपन होना, अनएक्सप्लेन हेडेक्स होना, रात को सोते सोते आँख खुल जाना, खर्राटे आना, हाई ब्लड प्रेशर के साथ, ये सब सिम्टम अगर होते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाता है। उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कहते हैं, जो खर्राटों की बीमारी होती है और उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होता है, तो ये एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। यानी हमें अलर्ट होने की जरूरत है, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं कि आपकी सांसें फूल रही हैं या सीढ़ियां आप चढ़ रहे हैं तो आप थक जाते हैं या आपके पैरों में अचानक दर्द हो जाता है, छाती में दर्द हो रहा है जी, तो ये मतलब हमें संभलने की जरूरत है। बिल्कुल, इसको इग्नोर नहीं करना है। और अभी तो मैं ये कहने लगा हूँ कि 30 इयर्स के ऊपर जो लोग हैं अपना ब्लड प्रेशर महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार जरूर चेक कराएं, नमक का मात्रा जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे थोड़े पाबंदी रखें, कम खाएं और अपने वेट पे का ध्यान रखें। इस वक्त सब लोगों को आइडियल वेट और सबके फ़ोन में हेल्थ का एक ऐप होता है, उसको देखें, अपना वेट कैलकुलेट करें, आइडियल वेट कैलकुलेट करें। आपका फ़ोन बताता है आजकल के आपने आज कितने स्टेप्स चले, कम से कम 9 to 10,000 स्टेप चलिए। और इसके अलावा आप अपना थायराइड का भी चेक कराइए, खास तौर से लेडीज के लिए जरूरी है। बिल्कुल, महिलाओं का जिक्र किया है आपने, मैं भी एक महिला हूँ और हर महिला जानना चाहती है कि जब भी महिलाओं का अचानक वजन बढ़ने लग जाता है तो कहा जाता है कि थायराइड चेक कराना चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि कुछ और प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से महिलाओं का वजन बढ़ता है, तो क्या कोई खास जेंडर में कार्डियक अटैक की संभावना ज्यादा होती है? नहीं, देखिए पहले ही माना जाता था कि लेडीज में हार्ट अटैक्स की संभावना मेनोपॉज के बाद होती है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो लेडीज जो स्मोक करती हैं उनमें इक्वल हो जाता है हार्ट अटैक का रेशियो। इसके अलावा जो आपने वेट वगैरह की बात की, यंग लेडीज में, आपकी उम्र की लेडीज में अगर वेट बढ़ रहा है तो मैंने अभी मेंशन किया ब्रीफली कि थायराइड का चेक कराना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ PCOD का एक सिंड्रोम होता है जिसमें ओवेरियन सिस्ट होती है और वेट गेन होता है, बॉडी पे पिगमेंटेशन होता है, गर्दन के पीछे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं जिसको एकेंथोसिस कहते हैं, तो वो सब इंडिकेशन होते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज के बॉडी में एंटर होने के, तो उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। और अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन हो या पीरियड्स मिसिंग हो जाए यंग लड़की के और वो इरेगुलर हो जाए और शरीर पे हल्के बाल निकल आए या चेहरे पे जहाँ हम लोगों के दाढ़ी होती है वहां पे बाल निकल आए, तो ये कुछ सीरियस एंडोक्राइनोपैथी की तरफ इशारा करता है, उससे आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और अपने हॉर्मोन्स भी टेस्ट कराएं।
बिल्कुल। और इसके अलावा सबसे पहले आपने जिक्र किया कि बहुत सारे हमारे पास वीडियो ऐसे आए हैं कि कुछ कलाकार डांस कर रहे हैं या सिंगिंग कर रहे हैं, अचानक हमें लगता है कि वो उनकी परफॉर्मेंस का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अचानक से वो दुनिया को अलविदा कह देते हैं, ये अचानक से डेथ हो जाना, अचानक से दुनिया को अलविदा कह जाना, वो लोगों को डरा रहा है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने इस प्रोग्राम को इसलिए रखा है ताकि लोग अलर्ट रहें। अलर्टनेस के लिए क्या करना चाहिए सर, आपसे जानना चाहूँगी मैं। देखिए, हम काफ़ी अलर्ट हो चुके हैं। विदेशों में तो ड्रोन के जरिए लाइफ पैक भेजा जाता है, वहीं जहाँ कोई पर्सन कोलैप्स करता है उसको डायरेक्शन रिमोट से दी जाती है, रिवाइव करते हैं। अभी हमने भी अपनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स में लाइफ पैक्स फिट किए हैं जो हम कार्डियक रिसेसिटेशन कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को CPR कैसे दिया जाता है ये आना चाहिए। CPR देना बहुत आसान है, कुछ लोगों को बचाया जा सकता है। करीब जो सडनली ऐसी जगह फेंट हो जाए, जैसे हमने जिक्र किया था, आप भी ने पॉइंट उठाया कि स्टेज पर फेंट हो जाए और वहां पर CPR देना, उस वक्त को लाइफ सेविंग हो जाता है। और कुछ लोग अब सेल्फ CPR की भी बात करते हैं। सेल्फ CPR का मतलब ये कि अगर आपको लगे कि आप फेंट हो रहे हैं, आपकी छाती में दर्द हुआ है, पसीना आ रहा है, आप ड्राइव कर रहे हैं, फौरन रोके, जोर जोर से खांसिए और जोर जोर से सांस लीजिए गहरा, तो आपको एक तरह का वो ऑटो CPR हो जाएगा। जब आपके पास कुछ नहीं है और आपके आसपास से गुजरने वाला कोई ना कोई आपको दूर से खांसते हुए या आपकी आवाज़ सुनकर रुक जाएगा और आपको फिर वो समझ जाएगा कि आप दुविधा में हैं और आपको फिर CPR देगा या मेडिकल सेंटर पर ले जाएगा। तो ये सेल्फ CPR की भी अब बात हो रही है और CPR सीखने की बात हो रही है। स्कूल में बच्चों को, जैसे ऑफिसर हैं उनमें, जैसे मिनिस्ट्रीज के ऑफिसर्स हैं, जिला लेवल पे ऑफिसर्स हैं, पुलिस के स्टाफ हैं, हम पुलिस को बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है ये CPR देना। और कोई भी जहाज में जैसे कोई फेंट होता है तो वहाँ भी ऐलान होता है कि अगर किसी को कोई डॉक्टर है या कोई पैरामेडिकल प्रोफेशनल है तो उसको बुलाया जाता है। तो इस वक्त CPR जो है सीखना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है सडन कार्डियक डेथ से लड़ने के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अपने यंगस्टर्स को हम क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि यंगस्टर जो है वो आजकल इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में एक तो मेंटली स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, दूसरा कि आजकल की लाइफ ऐसी हो गई है कि लोग मौज मस्ती बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, अल्कोहल ड्रिंकिंग की तरफ हमारा यंग जो है यंगस्टर्स वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहा है। तो उस चीज़ को, उस धरे से हटाने के लिए हमें किस तरह से उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए ताकि वो समझ सके, अपनी हेल्थ को समझ सके। देखिए, आपने काफी चीजें खुद ही टच करी हैं। घर का माहौल ऐसा होना चाहिए फ्रेंडली कि बच्चा घर से बाहर ना खाए, उसके पेरेंट्स के बीच में, मदर के बीच में खास तौर से एक बॉन्डिंग होनी चाहिए कि बच्चे को क्या पसंद है, माँ को बना के खिलाए। इसी तरह से अल्कोहल वगैरह और स्मोकिंग वगैरह में बच्चे दब पड़ते हैं जब उनकी जो संगत होती है वो खराब हो जाती है। पर से कोई भी बच्चा अल्कोहल और स्मोकिंग के पास नहीं जाता, लेकिन वो एक पीयर प्रेशर होता है या उसको कोई फ्रस्ट्रेशन होता है या पढ़ाई में या लव अफेयर में नाकामी होती है। तो अपनी लाइफ को अगर हम रेगुलेट रखेंगे, संयमित रखेंगे, अपनी पढ़ाई में भी मेहनत करेंगे तो हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी कि हमें कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, नहीं हम डिप्रेशन में जाएंगे। डिप्रेशन में जाने से भी बच्चे बहुत वेट गेन करते हैं, ज्यादा खाते हैं, कुछ बच्चे घर में भी खा लेते हैं और बाहर का खाना भी रात को चोरी से मंगा के आजकल खा लेते हैं, फोन से रात के 2 बजे आ जाता है जब पेरेंट्स सो रहे होते हैं। उस पर रोक लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी, आपने बात की, स्ट्रेस फ्री भी रहना है और योगा कर सके तो बहुत ही अच्छा है। और स्कूल में पहले पढ़ाई से पहले एक पीरियड हुआ करता था PT का या व्यायाम का, वो होता ही नहीं है, वैसे स्कूलों में फील्ड ही नहीं है, तो वो स्कूलों में जरूर एक्टिविटी का एक पीरियड होना चाहिए जिसमें बच्चों को मोटिवेशन भी मिलेगा और बच्चों को एक्टिविटी भी में भी हिस्सा लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, स्कूल के लेवल से ही बच्चों की अगर फाउंडेशन अच्छी होगी तो वो एक अच्छे नागरिक भी बनेंगे, अच्छे स्टूडेंट भी बनेंगे। डॉक्टर साहब, एक और बात यहाँ दर्शक जानना चाहते हैं कि कोविड के बाद से हमने देखा है कि कार्डियक अटैक हो या हार्ट अटैक हो, इसके मामले तेजी से बढ़े हैं, क्या कोविड इफेक्ट डाल के गया है ऐसा बॉडी पर? कोविड तो बीमारी ही नहीं थी फेफड़ों की, कोविड तो सर्कुलेशन की बीमारी थी, एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर था। इस चीज को हमने बहुत बाद में
समझा। और कोविड में दोनों तरह की खसूसियातें हैं, ये ब्लड को क्लॉट भी करता है और ब्लड ब्लीडिंग भी करता है। तो ज़्यादातर जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं वो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड हो रहे हैं। अभी कल ही मेरे पास एक 30 साल का नौजवान आया था, उसके ब्लड में क्लॉट पड़ा था और वो चलता फिरता आया था, वो चलता फिरता गया भी। हालांकि उसको मैंने बहुत इमरजेंसी फर्स्ट एड दी, ब्लड थिनर्स दिए, उसके बाद मैंने उसके एडमिशन का इंतजाम किया, लेकिन उसको हार्ट अटैक हुआ यंग एज में बगैर कोरोनरी आर्टरी डिजीज के। उसको हार्ट अटैक होना मुझे इस बात पे सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि उसको कोविड से रिलेटेड ये कॉम्प्लिकेशन है। इसी तरह से बहुत से लोगों को जिनकी कोरोनरी आर्टरीज नॉर्मल हैं उनको भी और जिनकी नहीं है उनको भी, हार्ट की झिल्ली का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें देखा गया है, हार्ट अटैक, हार्ट की झिल्ली का इन्वॉल्वमेंट, हार्ट की अंदरूनी झिल्ली का इन्वॉल्वमेंट। तो ये पूरा एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जिसमें स्ट्रोक भी शामिल है। तो ये कोविड के बाद कॉम्प्लिकेशन बढ़े हैं, कोविड के बाद ओबेसिटी बढ़ी है, यानी कोविड इफेक्टिव रहा है, बहुत सारी बीमारियों में इफेक्टिव रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में बस एक और सवाल ये है कि मौसमी बीमारियां लगातार होती हैं, हर सीजन में हम देखते हैं, लेकिन इस बार जैसे जैसे मौसम बदल रहा है लोगों को खांसी जुकाम तो हो रहा है, लेकिन खांसी के साथ साथ अचानक उन्हें छींकें भी आने लग जाती हैं और ये मैंने अपने घर में भी देखा है। तो क्या ये किसी एलर्जी की वजह से है या कुछ और आगे गंभीर हो सकता है? ये ऐसा लग रहा है कि कोई नया वायरस है जो ज्यादा दिन तक रह रहा है लोगों की बॉडी में। इसमें खांसी भी हो रही है, 7 से 10 दिन रिकवरी में लग रहे हैं, फीवर भी आ रहा है और वीकनेस भी बहुत हो रही है, खांसी भी आ रही है, आपने सही बताया। और ये एक होने के बाद एक पर्सन को दूसरे पर्सन को भी लग रहा है। तो ये कोई नया रेस्पिरेटरी वायरस है जो इन्फ्लुएंजा वायरस और कोविड वायरस के बीच की कोई चीज है, कोई नया वेरिएंट है जी। और जो हम बहुत जल्दी पता लगाने जा रहे हैं और ऐलान भी हो जाएगा इसका, लेकिन इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप बुखार को उतारें पैरासीटामोल से और बॉडी को अपनी रेस्ट दें, अच्छे से पानी पिए, डिहाइड्रेट ना हो और खाने में सिंपल खाना रखें और रेस्ट करें और स्ट्रेस फ्री रहें। तो इसमें गैर जरूरी सेल्फ मेडिकेशन की या एंटीबायोटिक लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे सीनियर कुलीग हैं, वो जो रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट हैं, सब यही कहते हैं कि आप बिल्कुल भी इसमें गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक ना लें। जो वायरल फीवर होता है वो उसमें एंटीबायोटिक्स फायदे की जगह नुकसान करते हैं। जी जी जी, यानी कि खिलनानी है वो यही कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं कीजिए और खुद से दवा मत लीजिए। यानी ये कहा जा सकता है कि मौसमी बीमारियों के साथ साथ दिल का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। अगर आप दिल का ख्याल रखेंगे आपका दिल स्वस्थ रहेगा और आप जवां रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और इस टॉपिक पर हमने बात की। वाकई दर्शकों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, वो कहीं ना कहीं इससे जागरूक भी हुए होंगे कि अपने दिल को स्वस्थ रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर से आप फिट एंड फाइन हो सकते हैं लेकिन आप अंदर से कितने फिट एंड फाइन हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए, किस तरह का खान पान होना चाहिए, उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आप काफ़ी हद तक जागरूक हुए होंगे। फिलहाल के लिए हेलो डॉक्टर में इतना ही।